सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बॉल टेम्परिंग विवाद में दोषी पाए जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ पर पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक साल का बैन लगाया और फिर बीसीसीआई ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें आईपीएल के सीजन 11 से बाहर कर दिया। उनके बाहर होने से सबसे बड़ा नुकसान राजस्थान रॉयल्स को हुआ है। दरअसल स्मिथ को राजस्थान रॉयल्स ने रिटेल पॉलिसी के तहत उन्हें अपनी टीम का कप्तान बनाया था। अब स्मिथ के बाहर होने के बाद टीम के क्रिकेटिंग हेड जुबिन भरूचा ने कहा है कि स्मिथ हमारे साथ अगले साल यानी आईपीएल 2019 में वापसी करेंगे, कि उनकी वापसी से उनकी शैली की किसी और खिलाड़ी को बाहर करना पड़े। हम अगले 3 सीजन को ध्यान में रखकर अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट के दौरान कंगारू बल्लेबाज कैमरन बैनक्राफ्ट मैच के दौरान बॉल टैंपरिंग करते हुए कैमरे में कैद हो गए थे। इसके बाद स्मिथ ने स्वीकार किया था कि हमने मैच बचाने के लिए ऐसा किया था। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल 2018 की टीम्स और उनसे जुड़ी हर ताज़ा और मज़ेदार खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको आईपीएल 2018 से जुड़ी हर ताज़ा और मज़ेदार खबर सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही से शेयर करना मत भूलिएगा। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।